नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल आंसर की के बारे में, जो कि LT लैंग्वेज टीचर के बारे में, पोस्ट कोड 730 है, जिसका टेस्ट यहाँ पे देखिए 28 तारीख को हुआ था, जो कि मॉर्निंग सेशन में हुआ था। इवनिंग सेशन में 743 पोस्ट कोड इन्वायरमेंटल जूनियर इंजीनियर का हुआ, उसके आंसर की के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिली। यहाँ पे देखिए 730 पोस्ट कोड कि यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, ये सीरीज़ ए और फिर बी और सी डी की बात करेंगे। सीरीज़ ए है यहाँ पे देखिए, जो कि इस प्रकार से, अगर आपको आंसर की चाहिए तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आंसर की को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको PDF फाइल को, जो कि आंसर की किया है ये सीरीज़ ए है। देखिए इस प्रकार से, या तो यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सीरीज़ ए है ये और सीरीज़ बी अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज टीचर पोस्ट कोड 730 सीरीज़ बी, यहाँ पे देखिए अब हम सीरीज़ बी की बात करेंगे सीरीज़ ए के बाद। यहाँ पे देखिए सीरीज़ भी इस प्रकार से, अगर आपको कोई भी आपत्ति लगती है आंसर की में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 4 तारीख से पहले पहले अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं, 4/8/2019 से पहले शाम को 5 बजे से आप मेरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ऑफिस में अपनी अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई भी आंसर गलत दिया गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत दी गई है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन को ईमेल करके, या तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं, अपने यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो कैसे आपत्ति आप दर्ज कराते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है, तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मेरे को फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, मेरा फेसबुक का पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे सीरीज़ बी थी, इस प्रकार से सीरीज़ सी की बात करेंगे अब हम। यहाँ पर देखिए अब हम सीरीज़ सी की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज टीचर की, यहाँ पे सेम वही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो भी है, यहाँ पे लिखा गया प्रोविजनल आंसर की 28 तारीख को टेस्ट हुआ था, LT लैंग्वेज टीचर 730 पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट प्रूफ आप दे सकते हैं, अगर आपको कोई लगता है कि आंसर गलत दिया गया आंसर की में, तो यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं क्वेश्चन बुक भेज के, या तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं, डायरेक्टली अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बोर्ड ऑफिस में जाके। यहाँ पे देखिए सीरीज़ सी है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए आप और पोस्ट कोड 743 जूनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल की आंसर की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा, तो उसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो नेक्स्ट जल्दी आएगी, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। यहाँ पे देखिए सीरीज सी है और अब सीरीज डी की बात करेंगे, लैंग्वेज टीचर पोस्ट कोड 730 की सीरीज डी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे देखिए जो हर एक आंसर की में बताया गया वही यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका रिटन टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जल्दी बता दूंगा कब तक आएगा इसका रिटन टेस्ट का रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए सी सीरीज डी इस प्रकार से, ABCD, अगर आपको चारों की चारों सीरीज या कोई भी सीरीज चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आंसर की का, तो वहाँ से आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली, या तो आप स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।